हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स में सो आज के वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिलेटिव प्राइसेस एंड सप्लाई बेसिकली मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल ठीक है overall, uh, हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लाइक like, मेरे को तो होता है आई डोंट नो आप सबको होता है कि नहीं कि जैसे कि अपना रिलेटिव प्राइस मतलब होम को कब चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए अगर फॉर एग्जांपल टू प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास चीज़ एंड वाइन देन हमें कब चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए कब हमें वाइन को ज़्यादा प्रेफर प्रेफरेंस देना चाहिए या फिर कब हमें दोनों का एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना चाहिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा क्लियरली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो इकोनॉमिक्स में डीजी के फेसबुक पेज या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट बिलो करके आप मेरे को बता सकते हो मैं कोशिश करूंगा उस डाउट को वापस से सॉल्व करने का सो लेट्स बिकेन सो देखो हमारे पास टू प्रोडक्ट्स हैं एक का है चीज़ एक का है वाइन ठीक है तो हमको चीज़ जो है उसको मैंने डिनोट किया है सी से एंड जो वाइन है उसको मैंने डिनोट किया है डब्ल्यू से ठीक है अब मैंने इसका प्राइस यानी कि पी सी इसको हम लोग प्राइस ऑफ चीज़ कह रहे हैं ठीक है मैंने अभी के लिए जस्ट एग्जाम्पल लिया है फिफ्टी रुपीज़ ठीक है एंड पी डब्लू यानी कि प्राइस ऑफ वाइन जो है उसको मैंने फोर्टी किया है ये ओवर राइटिंग हो गया तो इसको ये फोर्टी है ओके तो इसका प्राइस मैंने फोर्टी लिया है एंड पर्सन आवर्स यानी कि कितना एक पर्सन कितने आवर्स में चीज़ को प्रोड्यूस कर पा रहा है उसको मैंने ए एल सी से डिनोट किया यानी कि चीज़ प्रोडक्शन चीज का पर्सन आवर है तो वो जो है वो टू आवर्स में एक पचास रुपये का जो चीज़ है उसको वो प्रोड्यूस कर पा रहा है एंड ए एल डब्ल्यू जो है यानी कि पर्सन आवर्स ऑफ वाइन वो टू आवर्स में फोर्टी रुपीज़ का वाइन जो है वो, वो प्रोड्यूस कर पा रहा है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा चीज़ प्रोड्यूसिंग पर आवर कितना हो गया यानी कि एक घंटे में कितना चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि क्वांटिटी आएगा राइट right? एंड क्योंकि अभी हमने सिंप्लिसिटी के लिए ये अज्यूम किया हुआ है कि हमारा जो जो इकोनॉमी है वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इसका मतलब जो है जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होगा वेज रेट लेबर का उतना ही होगा तो अब देखो यहाँ पे हमारा जो प्राइस है चीज़ का वो है फिफ्टी रुपीज़ और हमको टू प, एक जो पर्सन आवर है वो टू पर्सन आवर लग रहा है चीज़ फिफ्टी रुपीज़ की चीज़ को प्रोड्यूस करने में इसका मतलब क्या हुआ यानी कि पी सी बाई ए एल सी इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं पर आवर में ठीक है अब ये ट्वेंटी फाइव यूनिट पर आवर में जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं यही हमारा क्या हो गया यही हमारा क्वांटिटी हो गया एंड यही हमारा वेज रेट भी हो गया ठीक है अब देखो अब क्योंकि अब हमको पता चल गया है कि पी से जब हम लोग ए से डिवाइड करते हैं तो हमको पता चलता है कि पर पर्सन आवर यानी कि पर आवर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है एंड वेज रेट कितना हो रहा है ठीक है ना लेबर का जो वेज रेट है वो कितना हो रहा है ओके okay. सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं जब वाइन का जो प्रोड्यूसिंग आए पर आवर जो है वो फोर्टी बाई टू करते हैं तो हमारा ट्वेंटी यूनिट पर आवर है ठीक है यानी कि हम लोग वाइन का जो हम लोग को पी डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू एल डब्ल्यू जब हम लोग करते हैं तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हमारा क्यू डब्ल्यू यानी कि क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना है एंड पर आवर में वो कितना क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ठीक है ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस चीज कब एक यही हमारा मेन सवाल है इस वीडियो का यही सवाल है कि इकोनॉमी को कब चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए तो जब पी सी बाई ए एल सी इज ग्रेटर देन पी डब्ल्यू बाई ए एल डब्ल्यू देन इकोनॉमी को चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए अब इसका मीनिंग हम लोग थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं ठीक है ना अब देखो जब पी सी बाई ए एल सी इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अभी भी डिसाइड किए यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें कि जब हम लोग प्राइस को पर्सन uh, आवर से डिवाइड करते हैं तो हमको एक क्वांटिटी मिलता है कि पर आवर हम लोग कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर क्यूसी निकला ठीक उसी तरीके से वाइन को जब हम लोग पर्सन आवर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्यू डब्ल्यू निकला यानी कि क्वांटिटी ऑफ चीज एंड क्वांटिटी ऑफ वाइन तो यहां से हम लोग क्या बता सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ चीज जो है वो मेरा ग्रेटर देन है क्वांटिटी ऑफ वाइन के इसका मतलब तो यही हो रहा है ठीक है ना इसका मतलब क्या हुआ अगर हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं देन डेफिनेटली हम ज्यादा वेज भी पाएंगे राइट तो वेज रेट ऑफ चीज जो है वो ग्रेटर देन है वेज रेट ऑफ वाइन के ठीक है इसका मतलब क्वांटिटी चीज़ कब प्रोडक्शन होना चाहिए हम लोग अभी भी बताएं जब पी सी बाई एल सी जो है वो ग्रेटर देन पी डब्ल्यू बाई एल डब्ल्यू होगा तब हमको चीज़ प्रोडक्शन करना है कैसे करना वो हम अभी भी समझ गए कि जब भी ऐसा कुछ दिखे हम अगर कंफ्यूज हो जाए कि इसमें क्या प्रोडक्शन करना चाहिए तो हम लोग ऐसे इसको ब्रेक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सी जो है क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यू के ग्रेटर देन है मतलब वेज इसका ग्रेटर है तो इसका मतलब इकोनॉमी को चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी डब्ल्यू जो है इसके पीसी के नीचे आ जाएगा यानी ए एल सी जो है वो इधर इस ए एल डब्ल्यू के ऊपर चल जाएगा यानी कि पी सी बाई पीडब्ल्यू इज ग्रेटर देन ए एल सी बाई ए एल डब्ल्यू जब भी ये चीज दिखे इसका मतलब इकोनॉमी को जो है वो चीज प्रोडक्शन करना है ठीक है इकोनॉमी को चीज प्रोडक्शन करना है अभी भी हमने समझा कि कैसे इसको ब्रेक करके हम लोग पता कर सकते हैं अगर हम भूल गए इन केस कि इकोनॉमी को कब चीज प्रोडक्शन करना है और कब वाइन प्रोडक्शन करना है ठीक है अब इस चीज को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं यहाँ पर देखो ए एल सी बाई ए एल डब्ल्यू जो है इसका मीनिंग क्या हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चीज इन टर्म्स ऑफ वाइन यानी कि हमको कितना अमाउंट ऑफ वाइन जो है वो हमको गिव अप करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस चीज ठीक है ना बट यहाँ पे देखो हमारा जो प्राइस रिलेटिव प्राइस ऑफ चीज़ यानी कि जो हम लोग प्राइस ऑफ चीज़ पा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ वाइन इज़ ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ चीज़ वी आर प्रोड्यूसिंग विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ वाइन वी आर प्रोड्यूसिंग यानी कि रिलेटिवली अगर देखा जाए तो रिलेटिवली प्राइस चीज़ का जो प्राइस है वो ज़्यादा है उसका प्राइस जो है चीज़ का वो ज़्यादा है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है जो हम लोग वाइन को गिवअप कर रहे हैं वो हमारा कम है तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे चीज़ प्रोड्यूशन चीज़ जो है वो प्रोडक्शन करना चाहिए ठीक है और अब इसी को अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझे जो कि हमारा यहाँ पे जो एग्जाम्पल था फिफ्टी फोर्टी फिफ्टी टू टू करके इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे पी सी बाई पी डब्ल्यू को जब लोग डिवाइड करते हैं तो मेरा वन पॉइंट टू फाइव आता है एंड जब एल सी बाई एल डब्ल्यू करते हैं तो हमारा वन आता है तो इससे भी क्लियरली डिनोट हो रहा है कि हम लोग को चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए बिकॉज हमें जो प्राइस है या फिर जो हमारा वेज रेट है जो हमें मिल रहा है वो ऑब्वियसली हमारे पर्सन है जितना हम काम कर रहे हैं पर आवर उसके अकॉर्डिंग वो हमारे लिए वर्दी है यानी कि वो ज़्यादा है राइट right? तो हमको चीज़ प्रोडक्शन करना चाहिए एंड जब हमें हमने हमें वाइन का प्रोडक्शन करना चाहिए इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस वाइन वेन पी सी बाई ए एल सी इज लेस देन पी डब्ल्यू बाई ए एल डब्ल्यू यहाँ पर हम लोग फोर्टी और फिफ्टी वाला एग्जाम्पल है ना वो कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज अगर वो कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली वन पॉइंट टू फाइव इज नेवर लेस देन वन ठीक है हम जस्ट उसको सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल के इस यहाँ तक मैंने बताया था यहाँ पे जस्ट एक नॉर्मली हम लोग क्योंकि अब कंसेप्ट तो समझ ही गए हैं कि हम लोग कैसे डिराइव करना है कैसे बताना है कि कब हम लोग को आ, समझना है कि कब हम लोग को वाइन को आ, देखना होगा कि कब वाइन प्रोड्यूस प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर कब चीज प्रोड्यूस करना चाहिए ठीक है ना तो जब भी पी सी बाई लेस देन रहेगा ए एल सी के तब हमें वाइन प्रोड्यूस करना चाहिए बिकॉज क्योंकि देखो पी सी बाई ए एल सी जब लेस देन है हैं पी डब्ल्यू बाई ए एल डब्ल्यू के देन ऑब्वियसली क्वान्टिटी ऑफ चीज़ जो है वो लेस प्रोड्यूस हो रहा है क्वान्टिटी ऑफ डब्ल्यू के यानी कि वेज रेट जो है जो वेज रेट हम लोग को मिल रहा है चीज़ प्रोड्यूस करने से वो हमारा कम है एज विथ रिस्पेक्ट टू जो हम लोग वाइन देखते हैं देन डेफिनेटली एक जो लेबर है वो ऑब्वियसली ज़्यादा वेज रेट जहाँ मिलेगा वो वहीं भागेंगे राइट तो इसीलिए इकोनॉमी के लिए भी यही फायदेमंद होगा कि वो भी वाइन को ही प्रोड्यूस करें बिकॉज ज्यादा अगर वो प्रोडक्शन करेंगे तो ज्यादा वो इम्पोर्ट कर सकते हैं उस चीज को सॉरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा वो उस इकोनॉमी को उससे ज्यादा फायदा भी मिलेगा ठीक है तो अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करना और हाँ एक और चीज पीसी बाई पीडब्ल्यू वेन पीसी बाई पीडब्ल्यू पी सी बाई पीडब्ल्यू इज इक्वल टू ए एल सी बाई ए एल डब्ल्यू रहेगा देन जो इकोनॉमी है या फिर जो होम कंट्री है उसको एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड यानी कि चीज़ और वाइन दोनों का ही उसको एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे जो है वो इक्वी हो जा रहा है या फिर हम लोग इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आ, कोई किसी एक पर्टिकुलर हम लोग प्रोडक्ट को हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं ठीक है ना हम इनडिफरेंस हो जा रहे हैं या है, फिर इनडिफरेंट हो जा रहे हैं दोनों प्रोडक्ट को लेके इसीलिए हम लोग को एक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना पड़ता है इस समय में ठीक है तो एक बहुत छोटा कंसेप्ट था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ट्रेड जब ट्रेड होता है तब हम लोग को फॉरेन कंट्री और होम कंट्री में किसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और क्या क्या चीज ध्यान रख के क्या प्रोड्यूस करना चाहिए ठीक है तब तक के लिए अगर इस वीडियो में कुछ समझना आया तो बताना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को क्लियर कर पाऊं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो